और नॉलेज को किसी दूसरे पर्सन के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, आप देखिए कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहा है, आप अपनी बात उसे कह रहे हैं, पर आप वो कम्युनिकेशन किसके ज़रिए कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए? तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन क्या हुआ, वो हुआ कम्युनिकेशन करने का ज़रिया। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन हम तब करते हैं जब हमें इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। संचार, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से आया है, जिसका अर्थ है साझा करना। ठीक है, यह अंग्रेजी शब्द कॉमन का स्रोत भी है, जिसका अर्थ है किसी की राय। आप देखिए कि संचार जो शब्द है ये कमने से लिया गया, इसका अर्थ क्या है, साझा करना, इनकी किसी बात को साझा करना। ठीक है, दूसरा शब्द है कॉमन, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है किसी की राय, यानी कि किसी की आप नॉलेज को जो है शेयर कर रहे हो। अब देखिए जो सिडनी जे हैरिस हैं, इन्होंने क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड, जो ऐसे ही जो होते हैं ना, ये जो राइटर हैं, इनकी जो इन्होंने बातें लिखी हुई होती हैं, इनकी डेफिनेशन ये एग्ज़ाम में सीधे ही आ जाती हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो शब्द सूचना और संचार का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन वे काफ़ी चीज़ें अलग अलग संकेत देते हैं। सूचना बाहर दी गई है, संचार के माध्यम से हो रही है। आप देखिए, दो शब्द हैं, एक है सूचना, एक है संचार। सूचना और संचार एक शब्द नहीं है, जबकि इन्हें एक माना जाता है कई बार, पर ये अलग अलग है। आप देखिए, सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि आपने सूचना किसी को पहुंचानी है, पर वो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, संचार के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आप देखिए कि अगर दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है, तो दोनों शब्द एक कैसे हुए, यानी कि आपको सूचना पहुंचानी है संचार के जरिए से। ठीक है, सूचना बाहर दी गई होती है, संचार के माध्यम से होती है। अब देखिए इसमें वेबर का शब्दकोश क्या कहता है, इनकी वेबर की डिक्शनरी क्या कहती है। सूचना और विचारों को भेजना, देना या आदान प्रदान करना, जिसे अक्सर गैर वैश्विक और मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। आप देखिए वेबर यहाँ पे कहते हैं कि जो सूचना है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, विचारों को भेजने के लिए, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक ही बात दिमाग में रखिए, अगर हम सूचना देते हैं तो उसमें दो पर्सन की ज़रूरत होती है, एक सूचना देने वाला, एक सूचना को सुनने वाला। ठीक है, इसमें क्या है, विचारों का आदान प्रदान या सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, देखिए तो ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले ही बोलते रहते हैं, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, सूचना देने का मतलब है विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, आप देखिए ये गैर वैश्विक भी है और मौखिक रूप से भी दिया जाता है, यानी कि इसे हम जो है वर्बली भी दे सकते हैं और नॉन वर्बली भी दे सकते हैं, यानी कि आप किसी को बोल के भी सूचना दे सकते हैं और लिखित रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं सूचना के अंदर। तो एग्ज़ाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि जो सूचना का जो ज़रिया है वो कैसे है, वो मौखिक रूप से भी है यानी कि वर्बली भी है और नॉन वर्बली भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे संचार के लक्षण की, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, संचार अनिवार्य रूप से एक दो तरफा प्रक्रिया है, यानी कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए टू वे प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो संचार है उसमें दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, टू वे प्रोसेस है। आप देखिए कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो फ़ोन पे आपका फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार कोई भी है, ठीक है, आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स साथ साथ वो देता रहेगा, तो वो क्या हो गया, टू वे रिस्पॉन्स, टू वे प्रोसेस। फ़ोन पे छोड़िए, अगर आप किसी से अपने दोस्त के साथ बैठ कर बात कर रहे हैं आमने सामने, तब भी उस बात को कहते हैं कम्युनिकेशन या संचार का लक्षण। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो तरफा प्रक्रिया। अगर आप अकेले बड़बड़ाते रहोगे तो वो सूचना नहीं हुआ, लोग आपको पागल कहेंगे, इसलिए जो संचार है वो दो तरफा प्रक्रिया है, इसमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, संचार का मूल उद्देश्य आपसी समझ पैदा करना है, यानी कि द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए जो संचार है इसका मूल उद्देश्य क्या है, आपसी समझ पैदा करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। आप किसी से बात करोगे वो आपकी बात को समझेगा, तभी आप आगे बात करोगे ना, आप बात करते रहो वो आपकी बात समझे ही ना, तो आप आगे संचार को बढ़ाओगे नहीं। ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि किसी बात को समझाना। ठीक है, जैसे क्लास में टीचर है, अब देखिए क्लास में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो बच्चों को अगर वो कोई लेसन या कोई पाठ पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है उनके द्वारा उनसे।
ठीक है। तो क्या है, वापसी समझ लेना कि जो टीचर करा रहा है, जो शिक्षक करा रहा है क्लास में, बच्चे उसका समझ रहे हैं। तो अगला पॉइंट है, संचार लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उन्मुख का मतलब होता है लक्ष्य उन्मुख का मतलब यहाँ पे होता है गोल ओरिएंटेड, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन आप किसके जरिए किस लिए करते हैं, आप करते हैं किसी गोल के लिए। कोई लक्ष्य होता है तभी आप उसे करेंगे, बिना लक्ष्य के आप संचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो संचार अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान है, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। अब देखिए, जो संचार है अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान है, यानी कि जो संचार होता है ये देखिए, ये अनुशासन के अंदर रह के आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा होता ना कि संचार करने का जो तरीका है वो आप अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको किसी को कैसे कोई चीज़ बतानी है। नेक्स्ट है, संचार में प्रेषक और सूचना का रिसीवर शामिल है, यानी कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो संचार है इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें प्रेषक भी है, यानी कि इसमें सेंडर, देखिए प्रेषक को इंग्लिश में कहते हैं सेंडर, सेंडर का मतलब होता है सूचना देने वाला। एक होता है रिसीवर, इनकी सूचना प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि अगर कम्युनिकेशन में टू वे प्रोसेस है, एक तरफ है सेंडर तो दूसरी तरफ कौन होता है, वो होता है रिसीवर। सेंडर का मतलब है सूचना देने वाला और रिसीवर का मतलब है सूचना लेने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट है, संचार एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो संचार है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने ज़िंदगी भर बस एक ही सूचना दी हो किसी को, आप देखिए दिन भर बहुत सारी बातें निकलती रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, संचार औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो संचार है वो औपचारिक भी है, वो अनौपचारिक भी है। आप किसी से काम की बात भी कर सकते हैं, और अगर आपको काम नहीं कोई है तो आप बिना काम के भी कोई ना कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी विशेषताएं ख़त्म होती हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे संचार की प्रकृति आएगी, यहाँ पे एक प्राकृतिक लिखा गया है तो आप इसको सही कर लेना, यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति क्या है। तो चलिए अब हम जानेंगे संचार की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए, संचार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है दो या अधिक व्यक्ति, यानी कि टू और मोर पर्सन, जब भी संचार होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में होता है, कभी भी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता, ठीक है। आप देखिए, संचार में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। संचार में देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति, पहले एग्जाम्पल है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वह है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए टू वे में आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। पहला है प्रेषक, यानी कि संदेश भेजने वाला, रिसीवर संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट है, दो तरीकों की प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है, जो निरंतर प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पे शब्द आया है निरंतर प्रतिक्रिया। अब देखिए, निरंतर प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, कि जब भी दो व्यक्ति आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज करते हैं, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो निरंतर प्रतिक्रिया करते हैं। निरंतर प्रतिक्रिया का मतलब है कंटिन्यूस फीडबैक देना। ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति बोलता जाए, दूसरा व्यक्ति कोई उसको जवाब ना दे। अगर वो आंसर देता रहे साथ साथ, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो उसकी बात को समझ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, संदेश। अब देखिए, कम्युनिकेशन किया क्यों जाता है, मैसेज देने के लिए, इनके संदेश देने के लिए। शामिल तथ्यों, विचारों, सूचनाओं या भावनाओं के संदेश रिसीवर को प्रेषित किया जाता है। यानी कि संदेश में क्या है, कि संदेश में आप तथ्य दे सकते हैं, आप अपने विचार हैं, सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैसेज के जरिए दे सकते हैं। आप देखें, किसी को मैसेज देंगे वो किसके ज़रिए देंगे, उसको देने का एक ही तरीका है, कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट है, अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ये वही वाले पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़े थे, इसको हम ब्रीफली यहाँ पे कर रहे हैं एक बार। तो इसके इंग्लिश में कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। देखिए, संचार एक अंत विषय विज्ञान है,
कई विज्ञानों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग संचार में किया जाता है। नव विज्ञान यानी कि नव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए मानव और मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन, मनोविज्ञान अन्वय धारणा और दृष्टिकोण का अध्ययन, मनोविज्ञान का मतलब है यहाँ पर साइकोलॉजी। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो ये मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आप देखिए जो जो ये इंटर डिसिप्लिनरी यानी कि अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान है, इसमें क्या है कि देखिए मान लीजिए कि हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, नर विज्ञान पढ़ते हैं, तो इससे क्या है हमें नॉलेज मिलती है। तो ये सारी नॉलेज जो है वो हम किसी से शेयर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। तो ऐसा तो है नहीं अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप सोशियोलॉजी की नॉलेज शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने सोशियोलॉजी की बुक पढ़ी है, समाजशास्त्र पढ़ा है या अदर कोई सोर्स पढ़ा है तो आप उसकी नॉलेज भी शेयर कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो नॉलेज जो होता है वो इंटर डिसिप्लिनरी होता है, इसमें कोई। तो नेक्स्ट देखिए अपवर्ड डाउनवर्ड या हॉरिजेंटल, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड या हॉरिजेंटल। देखिए कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे और डाउन से अप यानी कि लोअर कलर्स के कलर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक दूसरी तरफ से हो सकता है। यहाँ पे देखिए बात आई है अपवर्ड कम्युनिकेशन की, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिर अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है जब किसी ऑफिस के अंदर, जब किसी कंपनी के अंदर एक क्लर्क यानी कि एक जो लोअर पोस्ट का जो पर्सन या लोअर पोस्ट का व्यक्ति जब हाई पोस्ट वाले जो व्यक्ति से संचार या कम्युनिकेट करता है वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरी तरफ जब हाई पोस्ट का व्यक्ति लोअर पोस्ट वाले व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है कि एक कंपनी है वहाँ पे डिपार्टमेंट सारे सेम है, सेम डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति हैं आपस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, उनकी पोजीशन भी सेम है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जाना है कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो लोअर पोस्ट से हाई पोस्ट में कम्युनिकेट करना, डाउनवर्ड है हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में कम्युनिकेट करना, संचार की प्रक्रिया स्थापित करना। तो हॉरिजेंटल है कि सेम पोस्ट वाले व्यक्ति जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस। अब देखिए संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रकृति, पशु पक्षियों, मनुष्यों के माध्यम से हर जगह उपयोग की जाती है। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही कम्युनिकेशन करते हैं। आप देखिए कि जो पशु पक्षी हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप देखिए कि अगर आपके घर में कोई डॉगी है यानी कि कोई कुत्ता है तो अगर वो भौंकेगा तो गली मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं वो उसका जवाब देंगे, तो आपस में क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई पक्षी, ठीक है, अगर कोई कौवा जो है वो बोल रहा है तो सभी उसका क्या है जवाब देंगे। तो यानी कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी मनुष्य है या कोई भी पशु पक्षी है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं। तो देखिए वही बात आ गई। फिर नेक्स्ट देखिए माध्यम क्या है यानी कि मीडियम क्या है इसका। तो देखिए संचार के विभिन्न माध्यम हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि जो चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें से चलती हैं यानी कि टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, टेलीएक्स, फैक्स, इंटरनेट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जो टेलीफोन हो गया, टेलीएक्स हो गया। देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जैसे आप देखते हैं ना खबरें देखते हैं अपने टीवी पर, उसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट का मतलब होता है कि जब किसी पेपर के ऊपर प्रिंट होता है जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल, जर्नल मतलब कि रसाले, ठीक है, ये संचार का माध्यम है। मान लीजिए कि आप कोई खबर देख रहे हैं अपने टीवी के अंदर तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आजकल खैर कोई इतना टीवी देखता नहीं है, मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप कोई खबर देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आएगा। प्रिंट मीडिया की अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं या पुस्तक या कोई रसाला या जर्नल पढ़ रहे हैं तब आपको नॉलेज मिल रही है, वो भी कम्युनिकेट का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट है ऑडियो। ऑडियो में क्या है कि रेडियो, वायरलेस, मोबाइल और टेलीफोन,
यानी कि ऑडियो क्या है, जिसमें आपको ओनली आवाज़ सुनाई देगी, आपको आवाज़ के जरिए क्या है कम्युनिकेशन मिलेगा, संचार का माध्यम मिलेगा, तो वो होता है ऑडियो। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल, यानी कि चीज़ें आपको दिखाई भी दे रही हैं और आपको सुनाई भी दे रही हैं, तो वो क्या है ऑडियो विजुअल, जैसे हम कहते हैं टेलीविज़न और सिनेमा। अब देखिए संचार, सॉरी यहाँ पर लिखा है समझ और प्रतिक्रिया, यानी कि आप चीज़ें समझ रहे हैं ठीक है, और उसका प्रतिक्रिया यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। देखिए संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दूसरों को राज़ी करने और कार्रवाई करने के लिए प्रतिक्रिया देकर आपसी समझ बनाना, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की है कि क्या वो किसी को समझ आई। अब देखिए मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से आपको मैं संचार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा ये यहाँ पर ये टारगेट होगा, लक्ष्य ये होगा कि जो आपको मैं बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो चलिए जानते हैं कुछ इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लगे आज जो पिछले साल में आ चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार की विशेषता है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं ए बी सी डी, मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं, सीधे ही आपका यहाँ पे देखिए आंसर बता दूंगा। देखिए आंसर लगा उत्तर नंबर चार, इनकी ए बी सी और डी संचार, देखिए चारों ही सही हैं, चारों के चारों। संचार में विचार भी है, तथ्य भी है, विचारों का आदान प्रदान भी है, संचार में सूचना क्षमता दोनों शामिल है, संचार निरंतर प्रक्रिया है और संचार परिपत्र प्रक्रिया है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है प्रभावी संचार, प्रभावी संचार क्या है, ठीक है। प्रभावी संचार प्री स्पोज क्या है, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। कूटनिरपेक्षता, वर्चस्व, निष्क्रियता या समझ में आना, तो आंसर है समझ में आना। संचार देखिए क्यों करते हैं कि चीज़ें समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ्री में करना है तो आप वीडियो देखे साथ साथ लिखते जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास